Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Zajanem Official Vlogs. For thank you so much. आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए. आप सबकी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस दोबारा बनाऊँ. तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ मोटिवेशनल टॉपिक्स पे भी बात करूँ. और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ. वीडियो के मिड में मैं आपको बताऊँगी खुश रहने का शॉर्टकट और हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद आई एम श्योर कि आप लोग हमेशा के लिए खुश रहना सीख जाएंगे. तो आप लोग इन्जॉय करें मेरे साथ ही मरबा का प्यारा सा व्यू. यहाँ पे हम लोग अक्सर नाश्ते के लिए आते हैं और फ्राइडे को भी हमने यहीं पे नाश्ता किया. नाश्ता करके क्योंकि जुमे का दिन था तो हमने वापस जाकर जुमा के लिए रेडी होना था और उसके बाद जुमा की जो भी रूटीन होती है वो फॉलो की. ऊद जो है वो मैं अपने घर पे हर फ्राइडे को भी और वैसे भी मैं ज़रूर करती हूँ. और सूरत कहाव तो फ्राइडे के दिन पढ़ना, आपको पता है कि जुमा के दिन पढ़ना सुन्नत है. माँ से फ्री होकर निकले तो बहुत प्यारा मौसम था और इतने प्यारे मौसम में बारिश के इस मौसम में किसका दिल करता है घर बैठने को. तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे. जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के एंड में आपको खुश रहने का सीक्रेट बताऊंगी, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. तो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए उन चीज़ों पे राज़ी होना सीख लें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है और इन चीज़ों की तलाश और उन पे दुखी रहना छोड़ दें जो अल्लाह हासिल हैं. जब आपकी डायरी से अल्लाह ताला से शिकवे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको हकीकी खुशी फील होना शुरू हो जाएगी और आपको अपनी ज़िंदगी गुलजार लगेगी. खुश रहने का शॉर्टकट प्रैक्टिकल, उसके बाद आप हमेशा के लिए खुश रहना सीख जाएंगे. अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके पास जो कुछ भी है जो आपको बहुत प्यारा है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपका घर और बहुत सारी नेमतें, आपको तीन वक्त का खाना मिल रहा है. बंद आंखों के साथ तसव्वुर करें कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनमें से कुछ भी नहीं रहता आपके पास, ना कोई इंसान ना कोई नेमत, और आप रो रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं कि जो सब था आपके पास वो आपको वापस कर दे और अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेता है और वो सब कुछ आपको वापस नवाज देता है. अब अपनी आंखें खोल लें, क्या फील हो रहा है? आई एम श्योर आपको इस प्रैक्टिकल का मोरल समझ आ गया होगा. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस शॉर्टकट प्रैक्टिकल से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया और आपने क्या मोरल ऑफ द स्टोरी आपने निकाला अपने माइंड में. मैं आपके कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगी और मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल से बात करूँगी. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला एक लाइव रखूँगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त. खुश रहें और खुशियाँ बांटें.